शख्स आया, उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना 4 दिन हुए हैं हमने खाना नहीं खाया। बच्चे जब वो कल हम रेस्क्यू कर रहे थे तो 2-3 बच्चों को हमने पानी से निकाल दिया। गए थे और सब भाइयों के साथ एक एक मुर्गी थी, वो पक्का खुराक का चावल का। हम रास्ते में मेरे ख्याल में रोड जो है ना 8-10 जगहों पे पड़ा है, तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पे पानी जो है ना यहाँ तक थी। बाज़ जगहों पे हमारे पाँव भी नहीं लगती थी ज़मीन के ऊपर, हम तैर के गए हैं आगे। उससे आगे है गौता, हम वहाँ पे लोगों से मिले, उसमें एक शख्स आया, उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना 4 दिन हुए हैं हमने खाना नहीं खाया। बच्चे जब वो कल हम रेस्क्यू कर रहे थे तो 2-3 बच्चों को हमने पानी से निकाल दिया, 2-3 बच्चों को हमने पानी से निकाल, वो इतने भूखे थे सारे रो रहे थे। बस वहां जब हम पहुंच गए तो 4 खानदान ऐसे थे कि उसके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, खवातीन के साथ भी, और उसके कपड़े भी फटे थे सब खवातीन के। तो हमने उनको चादरें भी दी और उनको पानी से निकाल दिया। भाई मेरे साथ 4 लड़के और थे, मैं खुद गया था आगे उनको निकाल के। फिर हम जब बाहर आ गए तो वो खवातीन हमें इतनी दुआएं दे रहे थे। उससे आगे आज हम गए हैं, ये भाई भी हमारे साथ था। जब हम आगे चले गए तो रास्ता इतना खराब था कि भाइयों के पाँव में अभी भी चाले हैं, सब भाइयों के पाँव में। और वहाँ पे लोग कह रहे थे कि आप पहले टीम हो जब इधर आए हो, यहाँ पर न सरकारी कोई आया है, यहाँ पर बहुत सी तंजीमें कार कर रही हैं, एक भी नहीं आया। अब उसने कहा कि आप वाहिद बंदे हो जब आप इधर आए हो, यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, इतना खतरनाक जगह है, इतना खतरनाक कि मैं क्या बताऊँ। कितना दूर था वो? मेरे ख्याल में यहाँ से है 15 किलोमीटर दूर, इस जगह से 15 किलोमीटर। पैदल गए थे? हम पैदल गए थे, गाड़ी नहीं जा सकती उधर, और पानी में गए थे, तैर के गए थे, अल्लाह के फजल करम से 13 भाई।